आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना अहली फैसला के बाद पीटीआई कारकुनान सड़कों पर निकल आए। एबटाबाद में मंडिया, मिसाइल चौक, शाहीन चौक, फवारा चौक व दीगर मुकामात पर ट्रैफिक की बंदिश, एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शहर में दफा 144 के नफाज के बावजूद मुतअद्दिद मुकामात पर खिलाफ वर्जी, पुलिस तमाशाई बनी रही। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मकामी रहनुमाओं ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सड़क को वक्ती तौर पर खोल दिया। नौजवान मकामी रहनुमा इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सरापा एहतजाज। बड़ी तादाद में खवातीन रहनुमा भी सड़कों पर आ गयी। मरकजी क्यादत की कॉल तक सड़कों पर मौजूद रहने का फैसला। इस वक्त हजारा डिवीजन, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा व दीगर इजला में नौजवान सड़कों पर आ गए। बाद में ये आपको आवाम का शोर नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसफाना फैसले के खिलाफ। आज यहाँ मंडिया चौक में आवाम की बहुत बड़ी तादाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद, ISF के जो सदर हैं नदीम, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है, अहमद जैब साहब, वोमेन विंग हजारा रीजन और वोमेन विंग डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की खवातीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और खान साहब के साथ इस वक्त यकजहती के लिए मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहेंगे और ये जमे गफीर जितना भी जमा हुआ है वो PTI का हामी है और PTI के साथ जीने मरने के लिए तैयार है। हम इमरान खान के साथ हैं, जिस वक्त भी हमें हुक्म आएगा हम आएंगे। रात को 1 बजे भी हमें बुलाएं हम आएंगे और इस रोड को बंद करेंगे और यहाँ से किसी को भी नहीं गुजरने देंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस हरदा रोड को खोलें, लोगों को तकलीफ हो रही है। दोबारा जब आपकी क़यादत की तरफ से कोई हुक्म हुआ था फिर दोबारा आप आ जाएं तो सरदा रोड को खोलें आप।